खरगोन जिले में युवक युवती बलाई समाज संगठन के तत्वावधान में परिचय सम्मेलन का आयोजन अंबेडकर भवन में किया गया। इस मौके पर बलाई समाज संगठन के अध्यक्ष राजू गांगले, शेखर कौशल, नरेंद्र आर्य, विजय कोचले सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी और समाजजन मौजूद थे। आयोजित सम्मेलन में इंदौर, बड़वानी, धार, खंडवा, बुरहानपुर सहित आसपास जिले के समाजजन के युवक युवती और अभिभावकों ने बढ़ चढ़ कर सहभागिता निभाई। हम आपको बता दें कि समाज को एक मंच पर इकट्ठा कर बेहतर जीवन साथी की तलाश के लिए युवक युवतियों ने अपना उद्बोधन देकर कार्यक्रम को सहभागिता दिखाई। हम आपको बता दें कि समाज को एक मंच पर इकट्ठा कर बेहतर जीवन साथी की तलाश के लिए युवक युवतियों ने अपना उद्बोधन देकर कार्यक्रम में सहभागिता दिखाई। इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ताओं ने बताया कि आयोजन के माध्यम से मनपसंद जीवन साथी के अलावा बेहतर रिश्ते स्थापित होंगे और समाज में एक नई चेतना आएगी। खरगोन से ब्यूरो की रिपोर्ट। मैं विनोद कुमार सोने, मेरे पिताजी स्वर्गीय श्री सुखलाल सोने, माताजी श्रीमती गांधीबाई सोने, मेरी मम्मी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मेरी उम्र 33 वर्ष है, मैं प्राइवेट स्कूल टीचर हूँ, पिछले 10-12 साल से यही काम करता हूँ। मेरा एजुकेशन BA और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। धन्यवाद। भालसे है, मेरे फादर का नाम संतोष भालसे, मेरी मदर का नाम अनीता भालसे, मैंने BCom पास किया है, मैं इंदौर से आई हूँ। हाय सभी अतिथिगण एंड सभी को मेरा नमस्ते, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम नंदिता सोलंकी है, निवासी खरगोन की हूँ। मेरे पिताजी का नाम सियाराम सोलंकी है, मेरी माता जी का नाम मंजुला सोलंकी है, मेरा एजुकेशन BSc नर्सिंग है और मैं अभी इंदौर में महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज सुपर स्पेशलिटी में नर्सिंग ऑफिसर के रूप में पदस्थ हूँ। धन्यवाद। अंबेडकर समाज संगठन द्वारा जो है बलाई का परिचय सम्मेलन हुआ है, इसमें बहुत अच्छी पहल है ये, क्योंकि जो लोग गांव से बिलोंग करते हैं, जिनको सही रिश्ते नहीं मिल पाते हैं, वो इस बहुत अच्छे परिचय सम्मेलन में आकर अपना जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी पहल है और ऐसी पहल हर साल होते रहना चाहिए, ताकि जिनको भी लड़का लड़की ढूंढने में प्रॉब्लम आती हो, वो यहाँ पर आके अपना जीवन साथी ढूंढ सकते हैं। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि अधिक से अधिक संख्या में आना चाहिए और अपना परिचय देना चाहिए। आपने परिचय दिया, आपने किस तरह के जीवन साथी की तलाश है? वही जो अपने योग्य हो। क्या नाम है आपका? नंदिता सोलंकी। क्या करते हैं? मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ इंदौर में मेडिकल कॉलेज में। बलाई समाज के तत्वाधान में परिचय सम्मेलन किया गया, इसमें 126 युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया। इसका उद्देश्य यह है कि समाज एक जाजम पे आकर बैठता है, अपना परिचय देता है। क्या संदेश यही देता है कि समाज इकट्ठा हो, एक दूसरे की समझे एक दूसरे को, और एक जाजम पे आकर अपना परिचय दे। शेखर कौशल। युवक युवती परिचय सम्मेलन इसलिए हमने किया है कि हमारे जो समाज के लोग हैं, पढ़े लिखे हैं और उनकी नौकरियां दूर दराज तक है, अलग अलग जिलों में हैं, तो समाज से संपर्क हो नहीं पाता है, इसलिए हमने परिचय सम्मेलन करवाया है, जिससे क्या है युवक युवती एक मंच पे यहाँ आते हैं और अपना बायोडाटा देते हैं और उनको अपना जीवन साथी चुनने का अच्छा मौका मिलता है। अभी 126 युवक युवतियों का पंजीयन हुआ है और 50 युवक युवती ऐसे हैं जिनका पंजीयन नहीं है, उन्होंने मंच से अपना परिचय दिया है। राजू गांगले, नव युवक भलाई समाज संगठन, प्रदेश अध्यक्ष, खरगोन। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।